Hello friends, welcome to yet another very exciting session of Technitude. The session is based on mixed questions of operational amplifier. Some of the questions which we have left in the process are covered here so that you can get more clarity on the topic of operational amplifier. Let us see the questions one by one. This is a question based on operational amplifier. All these gate questions we are discussing in this session, okay? So this is from gate 2007, this is from gate 2000, and this is from gate 2003. Similarly, many other questions we are discussing. Let us follow the questions in continuity so that you can develop the concepts. Ab hum jo questions dekhne wale hain, wo ideal operational amplifier se related bhi hain aur non-ideal operational amplifier se related bhi hain kuch questions. To first question hai hamara ideal operational amplifier se related. Agar 1 volt yahan par de diya hai, तो हमको आउटपुट में क्या वोल्टेज मिलने वाला है. अब बहुत सारे तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट मेथड है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. और सिंपलेस्ट मेथड ये है, जो हमारे रूल्स थे अगर आप उनको रिवाइज करेंगे फिर से तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पर जो हमारे करेंट्स हैं वो ज़ीरो मान लेंगे हम लोग, या आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्योंकि करेंट्स आपके आई वन और आई टू ज़ीरो होते हैं, वो हमारा रूल नंबर वन है. तो ये हमारे करंट ज़ीरो हो गए हैं. इसलिए क्योंकि ये ज़ीरो करंट है, इसलिए हम इस ब्रांच को सिंपली एक पोटेंशियल डिवाइडर की तरह इस पॉइंट का वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं. और पोटेंशियल डिवाइडर वाला अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो वी वन सिंपली आपका आ जाता है 1/2 वोल्ट्स, बिकॉज इक्वल रेजिस्टेंस के बीच का वोल्टेज है, 1 kΩ 1 kΩ के बीच वाले पॉइंट का वोल्टेज है. तो इस वोल्टेज का हाफ वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा. ओके, V1 आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा कि 1/2 वोल्ट्स है. और जो V1 है वही V2 होने वाला है, ये हमारा रूल नंबर 2 था. तो V2 इज इक्वल टू 1/2 वोल्ट्स. ओके, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया. फिर सिंपली इस पॉइंट पर आप KCL अप्लाई कर देंगे तो V2 माइनस 1 अपॉन V2 सॉरी 1 kΩ ओके प्लस V2 माइनस V आउटपुट अपॉन 2 kΩ ये वाला रेजिस्टेंस. तो आपने इस पॉइंट पर KCL अप्लाई किया, ये वाला करंट ज़ीरो है, ये आउटगोइंग करंट्स आपने ज़ीरो मान लिए, तो आपका इन दोनों करंट्स का समेशन आपने ज़ीरो मान लिया तो आपका KCL अप्लाई हो जाता है. तो V2 माइनस 1 अपॉन 1 kΩ और V2 माइनस V आउटपुट अपॉन 2 kΩ इज इक्वल टू ज़ीरो. आपको निकालना क्या था? V आउटपुट. V2 आपको पता है 1/2 वोल्ट्स है. 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 ओके अपॉन 1 kΩ प्लस V2 आपको पता है इट इज 1/2. 1/2 माइनस V आउटपुट अपॉन 2 kΩ इज इक्वल टू ज़ीरो. ये दोनों क्लो ओम्स को हम लोग ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं. अब क्या होगा आपका, यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज़ माइनस 1/2 प्लस ये 1/2 जो है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 2 वी आउटपुट अपॉन 2 नीचे आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा ओके इज इक्वल टू ज़ीरो. ये आपका हो जाएगा माइनस 1/2. अगर LCM 4 ले लें आप तो यहाँ माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 वी आउटपुट ओके इज इक्वल टू ज़ीरो. ये 4 आपका 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 वी आउटपुट, और वी आउटपुट आपका जो आ जाएगा माइनस 1/2 आ जाएगा ओके. इट विल बी इन वोल्ट्स. तो माइनस 1/2 इज द आंसर. माइनस 0.5 वोल्ट्स इज द राइट आंसर ओके. इस तरह से हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड मेथड आपका यह हो सकता था कि आप इंडिविजुअली पॉस्ट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एंड्स को उनके गेन से मल्टीप्लाई कर दें ओके. जैसे कि आपका इन्वर्टिंग एंड वाला वोल्टेज आपका आ जाएगा, बाद में उसको ऐड कर देंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से, तो इन्वर्टिंग एंड वाला आपका गेन जो है 2/1 है. तो 1 वोल्ट इंटू 2/1 ये RF/R1 ओके माइनस RF/R1 ओके
ये आपका इन्वर्टिंग एंड वाली साइड का आउटपुट आ जाएगा, इज इक्वल टू वी आउटपुट इन्वर्टिंग एंड, वी आउटपुट वन ले लेते हैं इसको हम। और अगर आप इस वाले पॉइंट का वोल्टेज निकालना चाहें जो नॉन इन्वर्टिंग साइड में है, तो आपको ये वी वन निकालना ज़रूरी होगा। ओके, ये आपका इन्वर्टिंग साइड की तरफ से आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो है, और वी ऑन नॉन इन्वर्टिंग साइड अगर आप निकालना चाहें तो आप इस वोल्टेज को ले लीजिए, ये आपका हमने पहले निकाला था 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू आपका जो गेन है, गेन क्या है पॉजिटिव या इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का, 1+RF/R1 मतलब 2/1, 1+2/1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू दिस इज 1+2 मीन्स 3। ओके, ये हो जाएगा आपका 3/2, ये 3/2 है और ये आपका है -2। ओके, तो 3/2 और -2 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको वी आउटपुट आपका मिल जाएगा। तो 3/2 मीन्स आपका हो जाता है 1.5 -2 हो जाता है आपका -0.5। तो कुछ लोगों को ये मेथड भी सिंपल लग सकता है। ओके, कुछ लोगों को ये मेथड सिंपल लग सकता है कि हमने अलग अलग वोल्टेजेस को इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा था उसको उसके गेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि होता है -RF/R1। ओके, और नॉन इन्वर्टिंग एंड पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा था उसको हमने उसके गेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि होता है 1+RF/R1। ओके, ये उसके गेन अलग अलग गेन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इन्वर्टिंग टर्मिनल को और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल का तो वोल्टेज आप सीधा यहाँ से ले लेते हैं जो यहाँ पर कनेक्टेड है, लेकिन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो आप वोल्टेज यूज़ करते हैं वो आप ये सीधा वोल्टेज नहीं ले सकते हैं, आपको ये वाला इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1/2 यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि हमने देखा कि अगर हम दो वोल्टेजेस अप्लाई कर देते हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम की तरह दोनों वोल्टेजेस का अलग अलग जो इम्पैक्ट है वो हमको आउटपुट में मिलेगा। अगर हम दोनों वोल्टेजेस का अलग अलग आउटपुट निकाल लें तो जो भी आउटपुट हमको मिलने वाला है हम उसको ऐड करके सुपरपोजिशन थ्योरम से उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। ओके, अब ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जहाँ पर हमको फिर से वी आउटपुट निकालना है, फीडबैक में एक कैपेसिटेंस लगा दिया है और इनपुट में भी हर इनपुट में एक एक कैपेसिटेंस लगा दिया है। ठीक है, तो हमको वी आउटपुट निकालना है, तो वी आउटपुट सिंपली तो हो जाता अगर रेजिस्टेंस लगे होते तो -RF/R1 इंटू वी इनपुट, इस तरह से निकाल सकते थे आप। लेकिन अब क्योंकि आपके कैपेसिटेंस लगे हैं तो आप इसका इम्पीडेंस ले सकते हैं, वो हो जाएगा आपका 1/ωC। ओके, RF को अगर आप देखें तो 1/ωC, और R1 को अगर आप देखें तो वो भी हो जाएगा 1/ωC। तो सिंपली वही का वही है, अब आपको 1/ωC यूज़ कर लेना है, तो V आउटपुट आपका हो जाएगा -V1 इंटू ωC/ωC। ओके, ωC/ωC, और V1 जो है आपका वो है V1 sin ωt। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं V1 sin ωt, ये आपका हो जाने वाला है V आउटपुट। बट दो इनपुट्स हैं आपके, तो फर्स्ट वाले का आपका -V1 और सेकंड इनपुट के कारण आपका -V2 ωC/ωC sin ωt। ओके, तो ये फर्स्ट इनपुट के कारण आपको ये मिला और सेकंड इनपुट के कारण आपको ये मिला, हमने सुपरपोजिशन के थ्योरम्स यूज़ करके दोनों को ऐड कर दिया। ये आपका आ जाता है -V1+V2 sin ωt। ओके, सिंपल है, तो आंसर आपका आ जाता है -V1+V2 sin ωt, आंसर इज सी। दिस वॉज गेट 2000 क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन था ये। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
If the operational amplifier in the figure is ideal, the output voltage V output will be equal to. Ideal यहाँ पर आपको अलग से बता दिया गया है. Again the same question is being asked. Question को अगर हम simply solve करें तो हम कैसे solve कर सकते हैं? Inverting वाला जो हमारा terminal है उसको inverting gain से multiply कर देते हैं इस voltage को, और non-inverting वाले voltage को जो कि V1 है इसको non-inverting के voltage gain से multiply कर देते हैं. Okay? तो ये आपका आ जाएगा 2 into minus RF upon R1 means minus 5 upon 1. क्लो को क्लो से काट दिया मैंने यहीं पर. ये आपका इन्वर्टिंग साइड का आउटपुट हो जाएगा. ओके, V ड्यू टू इन्वर्टिंग साइड ये आपका हो जाता है माइनस 10, और नॉन इन्वर्टिंग साइड का जो है वो आउटपुट आपका हो जाता है. अब आपको V1 निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट आप 3 वोल्ट को यूज़ नहीं कर सकते. तो 3 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 1 मीन्स 9. ओके, क्लो ओम्स को हमने यूज़ नहीं किया है क्योंकि कट जाने वाले हैं बाद में. तो 3 से ये 9 3 टाइम्स कट जाएगा तो इट विल बी 8/3. ओके, तो ये आपका V1 आ गया. V1 को आप ले लेंगे यहाँ पर 8/3 इंटू गेन. गेन क्या है आपका? 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन. 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन कितना है आपका? 5/1. ओके, तो 5. ओके, तो ये आपका हो जाता है 8/3 इंटू 6. तो 8 इंटू 6/3 मीन्स 8 इंटू 2 मीन्स 16. ओके, तो आपका 16 माइनस 10 आपका फाइनल आउटपुट हो जाता है विच इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट्स. आंसर इज बी, 6 वोल्ट्स. ओके, इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. देन एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखने वाला प्रॉब्लम, केवल दिख रहा है कॉम्प्लेक्स पर हम अगर सॉल्व करें तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा. इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमसे फिर से वी आउटपुट पूछा हुआ है. अब वी आउटपुट निकालने के लिए सबसे पहले हम इस पॉइंट तक वी आउटपुट निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर जो इनपुट अप्लाई हो रहा है उससे हम वी आउटपुट यहाँ का निकाल लेंगे. ओके, सिंपल है. यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका इन्वर्टिंग एंड पे 1 वोल्ट कनेक्टेड है. ओके, अब क्योंकि यहाँ से करंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भी आपका 1 वोल्ट रहने वाला है. ओके, ये नेटवर्क के कुछ कॉन्सेप्ट्स को अगर आप यूज़ करें तो बहुत आसानी से इस तरह के कठिन दिखने वाले सवाल सॉल्व हो सकते हैं. अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है. अलग अलग एम्पलीफायर एम्पलीफाइंग फैक्टर से आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा. तो अब हमारी ट्रिक्स हम लोग यूज़ करते हैं. यहाँ पर आपको ट्रिक्स हेल्प करती हैं. यहाँ पर 1 वोल्ट यहाँ का वोल्टेज आ गया आपका नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट का. ओके, अगर ये 1 वोल्ट है और ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो इस पॉइंट का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा आपका? 1 वोल्ट. ओके, अब इस पॉइंट का वोल्टेज आपको पता है 1 वोल्ट, तो आप यहाँ पर KCL लगाकर इस पॉइंट का वोल्टेज आराम से निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? अगर इसको हम लोग VK बोल देते हैं. ओके, इंटरमिटेंट वोल्टेज है हमारा, इंटरमीडिएट वोल्टेज VK. तो 1 माइनस माइनस 2 ये वाला वोल्टेज अपॉन 1 किलो ओम्स ये वाला, प्लस यहाँ पर ये वाले एक्सिस में करंट जीरो जाने वाला है इसलिए हम उसको KCL में कंसिडर नहीं करते हैं, ये भी जीरो है करंट. ओके, तो हम सीधा यहाँ पर 1 माइनस VK अपॉन 1 किलो ओम इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से हमको VK निकलने वाला है. ओके, बहुत सिंपली हम लोग VK यहाँ से निकाल लेंगे. 1 प्लस 2 मीन्स 3. ओके, प्लस ये 1 किलो ओम 1 किलो ओम जीरो से मल्टीप्लाई हो गया. 1 माइनस VK इज इक्वल टू जीरो. तो VK आपका जो है 4 आ जाता है यहाँ से. ओके, बट दिस इज नॉट द आंसर. ओके, सेकेंड स्टेप में हमको फर्दर सॉल्व करना है. सेकेंड स्टेप में हमको ये VK से आउटपुट निकालना है. ओके, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होने वाला है, ये भी 4 होने वाला है. ओके, अब अगर ये 4 हमको पता है तो हम यहाँ पर KCL अप्लाई कर सकते हैं इस पॉइंट पे, तो V आउटपुट आराम से हमको निकल के आ जाएगा. ओके, कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग? 4 माइनस V आउटपुट अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस 1 किलो ओम प्लस
4 minus 0 upon 1 kilo ohm is equal to 0. ओके, ये जो है 0, तो इस पॉइंट पे हमने KCL अप्लाई किया, ये करंट हमारा 0 है रूल नंबर 1 के हिसाब से. ओके, ये रूल नंबर 1, 2 एंड 3 अगर आपको क्लियर नहीं हो रहे तो आप हमारा फर्स्ट सेशन देखिए इस सीरीज़ का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का. 4 माइनस V आउटपुट अपॉन 1 किलो ओम, ये दोनों 1 किलो ओम यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो जाने वाले हैं, तो 4 प्लस 4 माइनस V आउटपुट इज इक्वल टू 0. ओके, V आउटपुट इज इक्वल टू 8. बहुत सिंपली हमने इतने टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. ओके, इस तरह से हमको ट्रिक्स का हेल्प मिलता है इन टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. आप लोग ट्राई करिएगा इसमें फीडबैक वाले फॉर्मूले अप्लाई करने का, यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम. इन्वर्टिंग टर्मिनल का एम्पलीफिकेशन फैक्टर यह होता है. ओके, और नॉन इन्वर्टिंग का 1+RF/R1 होता है. ओके, तो आप इनसे कोशिश करेंगे अगर एम्पलीफिकेशन फैक्टर से, तो बहुत टाइम लगने वाला है आपको और इतना टाइम आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलता है. तो ये सिंपल मेथड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा एडवांटेज होगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बीइंग आस्क्ड इन गेट 2000. मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्पलीफायर इन सैम्पल एंड होल्ड सर्किट इज, दिस इज़ अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. ओके, ए यूनिटी गेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ओके, बिकॉज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्पलीफायर इन सैम्पल एंड होल्ड सर्किट इज यूनिटी गेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि पोलैरिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द सैम्पल्स हैव टू रिमेन सेम. पोलैरिटी और एम्पलीट्यूड जो है आपको सेम रखना है, इसलिए आप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, और क्योंकि आपको वोल्टेज भी सेम रखना है इसलिए आप यूनिटी गेन यूज़ करते हैं. ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज, अज्यूम दैट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन द फिगर इज आइडियल, इफ V1 इज ट्रायंगुलर वेव देन V आउटपुट विल बी. अब यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ अगर लगा देते हैं हम लोग, तो ये एक डिफरेंशिएटर की तरह वर्क करता है. ओके, और डिफरेंशिएटर का आउटपुट अगर आप इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली यू विल गेट RC इनटू DVI/DT. ओके, तो इनपुट वोल्टेज का जो डिफरेंशियल है वो आपको आउटपुट वोल्टेज की तरह मिलता है. तो आपको बोला गया है कि अगर आपने एक सॉ टूथ वेव अप्लाई की है, ओके, सॉ टूथ वेव इस तरह की होती है, देन व्हाट यू विल गेट इन द आउटपुट. तो सॉ टूथ वेव में जो आपका पहले यहाँ से यहाँ तक जो है आपका रेट ऑफ चेंज कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो आपका एक डिफरेंशिएशन इसका जो है पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा. देन इसका कॉन्स्टेंटली घट रहा है तो आपका एक नेगेटिव साइकिल आपको मिलेगा. ओके, नेगेटिव साइकिल का साइज जो है वो इसका डबल होगा और फिर आपको एक पॉजिटिव साइड में वेव मिलेगा इस तरह से. तो सॉ टूथ वेव का आउटपुट जो है आपको एक स्क्वायर वेव की तरह मिलता है अगर एक डिफरेंशिएटर से आप इसको निकाल देते हैं तो. ओके, सो दिस इज अ डिफरेंशिएटर, हैंस द आउटपुट ऑफ सॉ टूथ वेव विल बी अ स्क्वायर वेव. इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी है ये एक. देन फाइनली लास्ट पॉइंट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. इसका एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. ये क्वेश्चन है गेट 2003 में पूछा हुआ है कि इफ ए डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एंड कॉमन मोड वोल्टेज गेन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर 48 and 2 dB रिस्पेक्टिवली. ओके, तो यहाँ पर आपको दो स्पेशल टर्म्स आपको याद करने होते हैं, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन और कॉमन मोड वोल्टेज गेन. ओके, ऑफ ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर 48 and 2 dB रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये. तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को हम लोग शॉर्ट में CMRR करके रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है आपका डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन का रेशियो होता है. अगर इसको सिंपली इस तरह से लिखें न्यूमेरिक टर्म्स में तो इस तरह लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लॉग की टर्म्स में लिख सकते हैं, लॉग मॉडुलस ऑफ AD/AC, ये dB की टर्म्स में हो जाता है. ओके, तो अभी क्योंकि हमको सिंपली CMMR निकालना है, तो CMRR जो है हमारा यहाँ से 20 log AD - 20 log AC. ओके, तो ये जो 20 log AD है ये आपका होता है डिफरेंशियल वोल्टेज गेन. ओके, और ये 20 log AC जो होता है आपका ये कॉमन मोड वोल्टेज गेन. ओके,
तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही आपका CMRR होता है। ओके, तो CMRR सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, 48 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 46 dB। ओके, सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।